नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं INN24 न्यूज़ चुनावी महादंगल। क्या होगा फडणवीस का भविष्य? बचेगी सत्ता या कांग्रेस और एनसीपी करेगी वापसी? क्या होगा शिवसेना का रूप? ओवैसी बनेंगे किंग मेकर या राज ठाकरे बनेंगे भाजपा और शिवसेना के लिए मुसीबत? देखिए महाराष्ट्र का चुनावी महादंगल INN24 न्यूज पर सलीम रहमान के साथ। आखिर पटेल सर, मध्य नागपुर की अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ सभा लेके गया है, क्या लग रहा है जिस तरीके से आपकी पदयात्रा अभी चालू है और पूरा मध्य नागपुर की बात करें, मध्य से खत्म जैसी बाउंड्री होती है, उत्तर स्टार्ट होता है, उत्तर से खत्म होती है तो कामठी स्टार्ट होता है, तीनों सीट और मध्य की अगर बात की जाए तो? नहीं, मैं तो फिलहाल अभी मध्य नागपुर में ही मैं घूम रहा हूँ, अब उधर का तो मैं एनालिसिस आपको बता नहीं सकता हूँ। क्या लगता है आपको, जो मेरा सवाल है कि वो मध्य नागपुर की अगर हम बात करें तो MIM जितने वर्चस्व के साथ और जितने जोशीले अंदाज के साथ पूरा यूथ MIM आपके साथ है, कितने वोटों से आप विजय हासिल कर पाएंगे? यहाँ पे करीब करीब 75,000 से 80,000 वोट लेने की मेरी तैयारी है। उस हिसाब से ये फिगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुस्लिमों में कांग्रेस और BJP के प्रति जो गुस्सा है और हमारे युवा कार्यकर्ता और समाज के नौजवान जो जोश और हिम्मत के साथ में मेरे साथ घूम रहे हैं और काम को अंजाम दे रहे हैं, इंशाअल्लाह जीत हमारी। शहर अध्यक्ष होने के नाते जावेद साहब क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, इंशाअल्लाह हम लोग जो है आज घर घर डोर टू डोर जिसको कैंपेन डोर टू डोर जो कैंपेन होना चाहिए वही हम कर रहे हैं। हम ज़्यादा हु अल्लाह शोर शराबा ये नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि मध्य नागपुर में 70,000 घर है तो कम से कम हम उसमें से 40,000 घर पे डोर टू डोर जाए और डोर टू डोर उनको उनका दरवाज़ा खटखटाए और उनको बताए कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं और किस लिए मजलिस को वोट दे। तो हमारी ये कोशिश है कि हम बस चले जा रहे हैं दीवाने जैसे और लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी दीवाने जैसे बात की गई कि दीवाने जैसे हम चले जा रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हैदराबाद और औरंगाबाद की अगर इलेक्शन की बात की जाए तो जैसा वो मूवमेंट जो वो वहाँ चल रहा था वही मूवमेंट पर कहीं आप यहाँ काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ मध्य नागपुर में चुनाव लड़ रही है। अब्दुल शारिक पटेल साहब सुबह से लेकर रात तक अभी देख रहे हैं, रात का अंधेरा हो चुका है मगर हमारी पदयात्रा शुरू है। हम नुक्कड़ सभाओं पर, पदयात्राओं पर और लोगों के घर तक जा जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हम पैगाम दे रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम दे रहे हैं कि वो क्यों यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया जाए। पिछले दिनों आपने देखा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिम ग्राउंड में जो सभा ली थी, ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं थी और एक जनसैलाब यहाँ उमड़ा था, तो इससे हमें लगता है कि लोगों में हमें समर्थन मिल रहा है और लोग सामने से आकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जिस जद्दोजहद के साथ संसद के अंदर में आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो अभी मुस्लिम समाज में, दलित समाज में, पिछड़े समाज में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था उस सपने को लेकर वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जुड़ रहे हैं। हमें हर समाज का, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और हमें उम्मीद है जीत और हार का फैसला अल्लाह के हाथ में है, मगर जो जनसमर्थन हमको मिल रहा है उससे मैं यकीनी तौर पर कहता हूँ कि मध्य नागपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना झंडे को गाड़ेंगी और इस RSS के गढ़ के अंदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होकर हम अब्दुल शारिक पटेल साहब को विधानसभा में भेजने की तैयारी में। वकार साहब, यूथ की अगर बात किया जाए, यूथ की कमान आपको नागपुर शहर में सौंपी गई है, अभी मेंबर की बात किया जाए पार्टी में जो यूथ मेंबर, तो कितना इजाफा हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM नागपुर में जो यूथ का काम है वो बहुत ज़ोरों शोरों से है। आप जो है MIM पार्टी जो है पूरे नागपुर शहर में इलेक्शन लड़ रही है दो जगह में, एक मध्य नागपुर में और एक उत्तर नागपुर में। उत्तर नागपुर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ की टीम जो कम से कम 200-250 से लोग है वो पूरे तादाद में ऑफिसेस और रैलियाँ और जो कीर्ति मैडम हमारी जो है उनके साथ साना बसाना खड़े होकर उनका काम को अंजाम दे रहे हैं। और मध्य नागपुर के अंदर में भी, मध्य नागपुर के अंदर में भी जो हमारा यूथ है, हमारे यूथ की जो पूरी टीम है वो पूरी टीम शारिक पटेल साहब के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है, पूरी मेहनत कर रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है और जगह जगह घर घर जा जाकर लोगों को जागरूक कर रही है।